वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश रूम स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारे इस नए वीडियो लेसन के साथ में हमारे एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हमारे पैसिव सेंटेंसेस के। आज हम सीखेंगे वॉइस विथ लेट, इस तरह के वॉइस सीखेंगे जिस तरह से हमारे सेंटेंसेस में हमें लेट से हमारे पैसिव वॉइस की शुरुआत होती है। हमारे पास में जो हमारे नए लेसन होगा आज, हमारा ये नया चैप्टर, हमारा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो हमारे होंगे, हमारा जो सेंटेंस हमें जो पहले मिलेगा हमारे उस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें मेन वर्ब से हमारे सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। हमारे एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट शुरुआत जो होती है, शुरुआत में ही हमें मेन वर्ब मिलता है, किसी भी सब्जेक्ट से हमारे सेंटेंसेस नहीं होते। वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जहां पर सब्जेक्ट नहीं होंगे, मेन वर्ब से हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे और हमारे जो सेंटेंसेस होंगे उस तरह के एक्टिव वॉइस के जो आज हम इस नए इस वीडियो सीरीज के साथ में हमारे पैसिव सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत करते हैं। हमारे नए चैप्टर में हम जिस सेंटेंसेस की आज करेंगे, एक्टिव वॉइस हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। हमारे सेंटेंसेस जो हमें पहले से दिए जाएंगे उस तरह के सेंटेंसेस हमें नेगेटिव या अफर्मेटिव में हमें सेंटेंसेस मिल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान दीजिए हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हमें सब्जेक्ट उस सेंटेंसेस में नहीं होंगे। इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जब ऐसे सेंटेंसेस को हमें पैसिव में बनाने के लिए दिया जाता है तो वो किस तरह से सेंटेंसेस होंगे, और ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एक्टिव सेंटेंस जो हमें होंगे, एक्टिव वॉइस जो हमें मिलेगा उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इस तरह के सेंटेंसेस को आज पैसिव में किस तरह से बनाते हैं उसके नियम जो हम पढ़ चुके हैं, नियम होने वाले पैसिव में बनाने वाले जो नियम होते हैं वो हम लगातार डिटेल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सेंटेंसेस हम लगातार देख चुके हैं, मॉडल के सेंटेंसेस हम देख चुके हैं। आज जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो सिर्फ एक परिवर्तन होगा, हमें जो सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, हमारे जो सेंटेंस हैं उन्हें आज्ञा सूचक, विनती, सलाह, निर्देश, चेतावनी, इस तरह के कोई सेंटेंसेस हमारे उस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में हो सकते हैं जिन्हें हम पैसिव बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी, जहां आप रोज पा सकते हैं नए नए शब्द, आर्टिकल्स पा सकते हैं न्यूज़पेपर के, और आप कर सकते हैं चैट भी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे जो आज के सेंटेंसेस होंगे जिन्हें हमें पैसिव बनाना है वो किस तरह से होंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक लेवल से आपकी इंग्लिश सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं। हिंदी के माध्यम से हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में किस तरह से बनाया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है, एक बेसिक लेवल से किस तरह से अंग्रेजी सीखी जा सकती है, वो एक एक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में उन लेसन्स को देख सकते हैं। आज जो हम सेंटेंसेस देखेंगे, आज जो हमारे टूल्स होंगे, वो नियम जो होंगे, एक जो बेसिक नियम होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप हमारे पिछले लेसन्स के साथ में, हमारे पिछले वीडियो सीरीज के साथ में आप रिवीजन कर लीजिए। अभी जो हम पहला फॉर्मूला देखते हैं, हमारे सेंटेंसेस होंगे आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमें सेंटेंसेस में शुरुआत में मिलेगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस तरह के वाक्य जैसे हम अगर कहना चाहें कि वहां जाओ तो हम कैसे कहेंगे, गो देयर, सो जाओ, स्लीप यहाँ, सो जाओ, स्लीप हियर। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे इनके पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं वो नियम आज हम देखेंगे। तो हमारा एक्टिव वॉइस जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हमें पैसिव बनाते समय लेट से शुरुआत करना चाहिए, हमारा पैसिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, हमें ऑब्जेक्ट नंबर वन से ही करना है। लेकिन ध्यान दीजिए बी के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगाना होगा, और इस तरह के बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाने का नियम हम पिछले दो वीडियोज के साथ पढ़ चुके हैं, किस तरह से उन्हें बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा हम अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट और कोई शब्द होता है तो हमसे बाद में लिखेंगे। तो चलिए फॉर्मूले को हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कुछ किस तरह के ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपके लिए पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर, चेक द वाटर पंप, वाटर पंप को चेक करो, हमने इस तरह का सेंटेंस बनाया, वाटर पंप को चेक करो। हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस होगा लेट द वाटर पंप बी चेक, वाटर पंप को चेक किया जाए। तो देखिए सेंटेंस किस तरह से बना फ्रेंड्स, लेट द वाटर पंप बी चेक, आप फॉर्मूले से मिला लीजिए, लेट के साथ हमें सेंटेंसेस की स्टार्टिंग करनी है। ऑब्जेक्ट जो हमारा है, पहला ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, द वाटर पंप बी, और उसके बाद हमें मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में दिया गया था, पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म में सेंटेंसेस मेन वर्ब होते हैं वो आप पहले से समझ चुके हैं। हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं, मेक राइस टुडे, हमारे पास इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट टुडे के रूप में है, राइस हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, हमारा मेन वर्ब है मेक, हमारा सेंटेंस बनेगा लेट राइस बी मेड टुडे, आज चावल बनाया जाए, इस तरह का सेंटेंस बने, आज चावल बनाया जाए, ऐसा जब हम बोलते हैं तो इस तरह के सेंटेंस होंगे लेट राइस बी मेड टुडे। हम अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव के रूप में देखें, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता तो आप ऊपर फॉर्मूले में चेंज देखिए, डोंट डू नॉट का प्रयोग अगर हम करें, सेंटेंस को नकारात्मक बना लें और उसे पैसिव में बनाना हो तो हमारा परिवर्तन जो होगा लेट ऑब्जेक्ट और नॉट के बाद हमें
बी थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। ध्यान दीजिए, बी से पहले हमें नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमें नॉट का यूज करना ही पड़ेगा, तब हमारा वो सेंटेंस नेगेटिव नकारात्मक रूप किस तरह से देगा हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस देखिए, डोंट कलेक्ट यूजलेस थिंग्स हियर, यहाँ पर बेकार के सामान जमा मत करो, यहाँ पर मत करो, नेगेटिव सेंटेंस ना करो, तो हमारा सेंटेंस भी हमें ना करो जो नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा। तो हमारा एग्जाम्पल जो है वह आंसर बनेगा लेट यूजलेस थिंग्स नॉट बी कलेक्टेड हियर, यहाँ पर बेकार के सामान ना जमा किया जाए, लेट यूजलेस थिंग्स नॉट बी कलेक्टेड हियर, यहाँ पे बेकार के सामान जमा ना किया जाए। चौथा सेंटेंस नेगेटिव देखते हैं, डोंट मिक्स वाटर इन मिल्क, दूध में पानी ना मिलाओ, ना मिलाएं, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव, फिर से ना मिलाने के लिए दूध में पानी, जब हम इसका पेसिव बनाएंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट है वाटर, लेट वाटर नॉट बी मिक्सड इन मिल्क, दूध में पानी ना मिलाया जाए, लेट वाटर नॉट बी मिक्सड इन मिल्क। तो फ्रेंड्स देखिए आपका सेंटेंस, आपने देखा कि लेट से किस तरह से हमारे पेसिव वॉइस बनते हैं, जब हमारे एक्टिव सेंटेंसेस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है, डायरेक्ट नेगेटिव पैटर्न से होती है, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं जो हमारे बोलचाल की भाषाओं में किस तरह से यूज होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो लेट से हमारे पेसिव सेंटेंसेस की शुरुआत होना चाहिए। आपने यहाँ पर चार एग्जाम्पल्स नेगेटिव और अफर्मेटिव फॉर्मेट में देखा है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होता है तो जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के पैटर्न, इस तरह के सेंटेंसेस आगे हम और भी देखेंगे, आपके लिए जो होमवर्क के सेट भी दिए जाएंगे ताकि आप खुद की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अगले पेज में इसी तरह के सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे पेसिव में, तो हम वहाँ पर परिवर्तन करेंगे, हम देखेंगे कि सेंटेंसेस के जो सूत्र आप देख रहे हैं एक्टिव में होंगे ऐसे ही, इसी तरह के होंगे, लेकिन उनके परिवर्तन पेसिव करते समय, पेसिव में बनाते समय बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उन्हें हम किस तरह से अलग से पहचानेंगे। फ्रेंड्स आप इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, स्क्रीन को हमारे रोक लीजिए, अगर आप कोई सेंटेंस मिस करते हैं तो हमारे इस वीडियो को फिर से एक बार रिस्टार्ट करके देख लीजिएगा, सेंटेंसेस समझ लीजिएगा। एक बार अगर आप सेंटेंसेस समझ जाते हैं, आप एग्जाम्स में बेहतर ढंग से, अच्छे स्कोर से आप एग्जाम्स दे पाएंगे, पास हो पाएंगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, हमारे जो सेंटेंसेस अभी होंगे सूत्र में एक्टिव वॉइस इसी तरह से होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन इस समय आज्ञा सूचक, विनती, सलाह, निर्देश, चेतावनी के जो हमारे पहचान होगी उन्हें हम किस तरह से बनाएंगे पेसिव में। तो चलिए हमारे सेंटेंसेस को हम देखते हैं, कुछ मिक्स सेंटेंसेस को देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। हमारे लिए इस समय होंगे रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस, ऑर्डर, और अगर हमारे लिए इंस्ट्रक्शन, निर्देश के कोई शब्द होते हैं तो हम उन्हें पहचान करके उनके पेसिव हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे किस तरह से, देखते हैं। चलिए हमारे एक्टिव सेंटेंसेस को हम पेसिव में बनाते हैं, करते हैं हमारे कुछ नए सेंटेंसेस, कुछ लेट से बनने वाले जो हमने पेसिव सेंटेंसेस पिछले पेज में देखे उनसे, उन सेंटेंसेस को बिल्कुल डिफरेंट देखते हैं, बिल्कुल अलग देखते हैं। तो टेंस में परिवर्तन होने वाले पेसिव के नियम हम पहले सीख चुके हैं, चलिए देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला होगा इस समय किस तरह से होगा। तो आपने पिछले पेज पर देखा है एक्टिव वॉइस की शुरुआत मेन वर्ब से, फर्स्ट फॉर्म से होगी, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, जब हम इन्हें पेसिव बनाएंगे तो हमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्निंग, ऑर्डर, या अगर कोई सलाह दिया गया है, कोई निर्देश दिया गया है, तो उन नियम को देख करके, पहचान कर अलग अलग बनाएंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर फॉर्मूला, इन्हें हम किस तरह से एग्जाम्पल से अलग अलग समझ पाएंगे, चलिए हमारे लिए पहला एग्जाम्पल है प्लीज या काइंडली साइन ऑन द रजिस्टर। यहाँ पर देखिए प्लीज लगा है, काइंडली लगा है, इससे समझ में आता है कि यह निवेदन, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब रिक्वेस्ट का सेंटेंस होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट हम अलग से देख रहे हैं, रिक्वेस्ट के सेंटेंस में हमें शुरुआत करनी होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन ऑन द रजिस्टर, तो हमें यू आर रिक्वेस्टेड से सेंटेंस पेसिव बनाना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस में जो भाव छिपा है, जो रिक्वेस्ट का निर्देश है हमें, वो हमें पता चलता है, रिक्वेस्ट की भावना का पता चलता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन ऑन द रजिस्टर, तो हमें सेंटेंस बनाना चाहिए यू आर रिक्वेस्टेड, जिनसे रिक्वेस्ट की जा रही है वो हमारे सामने वाला कोई व्यक्ति है। इस तरह के सेंटेंस में देखिए टू से हमें सेंटेंस को जोड़ना है, प्लीज और काइंडली को बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि उसके लिए रिक्वेस्ट के लिए हमने जो शब्द यहाँ पर यूज कर लिया है, रिक्वेस्ट कर लिया है, यू आर रिक्वेस्टेड के माध्यम से बदल लिया है। तो देखिए हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति है जो सामने होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे सामने अक्सर ही कोई यू सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति हम मान के चलते हैं, जिसे हम यू मान के चलते हैं, तो हमारा पेसिव हमेशा यू आर से शुरुआत होगी। निवेदन था, रिक्वेस्ट का यूज हमने किया है। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, टेक दीज मेडिसिन ऑन टाइम, सलाह दिया जा रहा है, राय है यहाँ पर, मेडिसिन को समय पे खाने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा
यू आर एडवाइज्ड, सलाह दी जा रही है, यू आर एडवाइज्ड टू टेक दीज मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए बाद में आपको टू से जोड़ के सेंटेंस जैसा है जिस फॉर्मेट में दिया गया है आपको सिर्फ जोड़ देना है फर्स्ट फॉर्म से, बाकी हमारा पीएसयू बन गया सलाह के रूप में, एडवाइस के रूप में। यू आर एडवाइज्ड टू टेक दीज मेडिसिन ऑन टाइम। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गेट आउट ऑफ माई रूम, आदेश है, यहाँ से निकल जाने के लिए कहा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो आदेश है। आदेश होगा तो हम सेंटेंस बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई रूम, तुम्हें आदेश दिया जाता है, तुम्हें कहा जाता है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, कमरे से चले जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड। फिर टू से हमें उस तरह से जोड़ देना है सेंटेंस को, हमारे फर्स्ट फॉर्म से हमें उस सेंटेंस को यूज कर लेना है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई रूम। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट गो टू द रिवर साइड अलोन, चेतावनी है, किसी को धमकी है ना जाने की, किसी तरह में चेतावनी है, वरना किसी किसी बुरे की आशंका है, हो जाएगा। डोंट गो टू द रिवर साइड अलोन, नदी की तरफ अकेले ना जाओ, तो यहाँ पर चेतावनी है, अगर चला जाता है तो कुछ नुकसान होने की। यू आर वॉन्ट नॉट टू, हमें नेगेटिव का प्रयोग नॉट टू करना चाहिए, देखिए कलर कोड में आप नेगेटिव सेंटेंस को नॉट टू से ही हम जोड़ेंगे। यू आर वॉन्ट, चेतावनी दी जाती है ना जाने की, अकेले नदी की तरफ ना जाने की, तो नॉट से अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग पूरा बदल जाएगा, जिसे हम नदी की तरफ ना जाने के लिए कह रहे हैं वो नदी की तरफ जाने के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नेगेटिव का प्रयोग जरूर ध्यान से करना होगा, नॉट टू के माध्यम से हमें सेंटेंस को जोड़ना होगा। तो यू आर वॉन्ट नॉट टू गो टू द रिवर साइड अलोन। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, टेक दिस कैप्सूल TDS, हिंदी में हम कहेंगे कि दिन में तीन बार, 3 times इन द डे, एक दिन में 3 बार इस कैप्सूल को खाना है, लेना है। दवाई की सलाह दी जा रही है लेने की, तो जो कैप्सूल है उसे 3 बार दिन में खाने की सलाह दी जा रही है। यू आर एडवाइज टू टेक दिस कैप्सूल TDS, आपको दिन में 3 बार इस कैप्सूल को खाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर एडवाइस दी जाती है। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा ये सेंटेंसेस, इस समय एक्टिव सेंटेंसेस के सूत्र वही है जो हमने पिछले पेज पर देखा। पिछले पेज में जो हमारे सेंटेंस थे वो हमने लेट से बनाए हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव को देख करके, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस होंगे हमारे एक्टिव दिखाई उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे कि पिछले पेज पे थे, लेकिन यहाँ पर जो भावनाएं हैं सेंटेंस के, जो इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, ऑर्डर है, इस तरह के जो हमें देख करके पहचान करके उनके पीएसयू बनाने होते हैं, तब जाके हमें स्कोर हम परीक्षाओं में अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह की पहचान आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा सेंटेंसेस, आराम से आप सेंटेंसेस को हमारे इस स्क्रीन को रोक करके अभी नोट कर लीजिए। आप अगर कोई सेंटेंस मिस करते हैं, अगर आप नहीं लिख पाते हैं, तो हमारे वीडियो को फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लीजिएगा, सेंटेंसेस को पहचान लीजिएगा, किस तरह से हमारे जो सेंटेंसेस हुए हैं उन्हें आप समझ लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप जरूर हमें कॉमेंट करिएगा। हम इस तरह के और अभी अगले वीडियोज में सेंटेंसेस लाते रहेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से बनने वाले हमारे पैसिव सेंटेंस का ये पहला वीडियो है। अगले वीडियोस में आप और भी सेंटेंसेस और भी एग्जांपल्स देखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बहुत सारे कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ऊंचा होगा और आप परीक्षाओं में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं हमारे अगले पेज पर, वहां देखते हैं आपके लिए कुछ और सेंटेंसेस जिसे हम लेट से बनाएंगे और हम उन्हें एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्निंग, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाते हैं वो आप देख पाएंगे। तो चलिए हमारे इन सेंटेंसेस के माध्यम से इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमने अभी किया है, प्रैक्टिस किया है, वो एग्जांपल्स देखें, उन्हें हम मिक्स करते हैं यहाँ पर इस नए पेज पर और सेंटेंसेस बनाते हैं हमारे कुछ अलग ढंग के सेंटेंसेस जो आप यहाँ पर वर्ब अलग देखेंगे, उनके जो यहाँ पर सूत्र हम वही यूज करेंगे, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन वाले ही सेंटेंस होंगे। लेट से बनने वाले हमारे सेंटेंस यहाँ पर मिक्स किए जा रहे हैं, दोनों तरह के सेंटेंस हम किस तरह से देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके आप अपने सेंटेंसेस लिखते जाइए, किसी प्रकार का डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है तो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए। फॉर्मूला जो हमने अभी पिछले पेज पर देखा था लेट से बनने वाला, तो हमारे फॉर्मूले उसी तरीके से होंगे जो हमने लेट से बनाए थे और जो हमने फॉर्मूले एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्निंग वाले बनाए थे। तो इस समय जो आपके सेंटेंस है वो आपके लिए एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए सेल्फ टेस्ट टाइम है। आप इस तरह के सेंटेंस आपने जो भी पिछले पेजेस में देखे उन्हें उसी तरह से आपको करना है। सेकंड ऑब्जेक्ट आपको पहचान करके ध्यान से वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है। लेट से अगर आप सेंटेंस देखते हैं तो आपको लेट से नेगेटिव अफर्मेटिव देख करके प्रयोग करना है। वार्निंग देखते हैं, एडवाइस देखते हैं, रिक्वेस्ट देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, तो आपको पहचानना है। यहाँ पर जो पहचान आप देख पाएंगे, आप कोशिश करिए किस तरह से बनाते हैं।
आप अपने आंसर्स हमारे साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं। आपके आंसर्स को देख करके हम ये जान पाएंगे कि आप किस तरह से उन्हें पहचान पाए हैं, सॉल्व कर पाए हैं। आपको अगर किसी प्रकार का यहाँ पर सेकंड थर्ड फॉर्म आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसकी जो ट्रिक्स है हमने आपको लिंक में दिया है। आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं, आपके डिस्कशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स ज़्यादा है, आपको लिखने में थोड़ा समय लगेगा। आप आराम से समय लेकर के इस सेंटेंस को पूरे नोट कर लीजिए और आपके आंसर्स का हम इंतजार करेंगे। इस तरह के अगले वीडियोस के साथ में हम और भी सेंटेंसेस लाएंगे। जब हम लेट के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे हमारे अगले वीडियोस में, जब हम इसी तरह के सेंटेंसेस का और अलग अलग ढंग से प्रयोग करेंगे। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो। शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रो लार्जर एंड बेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।